ये देखिए, सड़कें खराब, तीखे तीखे मोड़ और लोगों को ट्रैफिक का सेंस नहीं। वेलकम टू वन ऑफ द डेडलीस्ट हाईवे इन इंडिया। ओ भाई साहब, शिट मैन। का हाल बार हुआ सभी के, राहुल अपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रेवलर फिर से वालों के स्वागत करता एक नया वीडियो में, एक नया सफ़र पे। आज मैं जा रहा हूँ एक नई यात्रा पे। ये यात्रा तकरीबन 15 दिनों की होगी और मैं झारखंड से ओडिशा जा रहा हूँ। तो ओडिशा में मैं अगले 15 दिनों तक रहूँगा। और आप लोगों ने मेरा छत्तीसगढ़ सीरीज़ देखा होगा, तो छत्तीसगढ़ सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ये अब ओडिशा सीरीज़ शुरू होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का सीरीज़ कैसा लगा आप लोगों को, और वीडियो में मतलब क्या क्या चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी, आप लोग और क्या क्या नया देखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं भी और अच्छे से आप लोगों को और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दिखा सकूँ। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो में कि क्या नई नई चीज़ें और मुझे करनी चाहिए। मैंने अपनी जो यात्रा शुरू की है झारखंड से उड़ीसा की, तो मेरा जो रूट है वो मैंने डाल्टनगंज शहर से शुरू किया है और डाल्टनगंज के बाद रांची, और ये रांची के बाद जमशेदपुर का जो हाईवे है वो, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा क्योंझर। तो आज मुझे स्टे करना है क्योंझर में। और बाकी ओडिशा का जो मेरा प्लान है, ओडिशा में सबसे पहले मैं क्योंझर जाऊँगा। क्योंझर में एक या दो दिन मैं उधर घूमूंगा, उसके बाद फिर क्योंझर के बाद भुवनेश्वर जाने का प्लान है। भुवनेश्वर के बाद फिर मैं ट्राइबल बेल्ट की तरफ निकल जाऊँगा, जैसे कि कंधमाल हो गया, नियामगिरी की तरफ निकल जाऊँगा मैं। और वहाँ से लौटने के बाद फिर मैं इस तरफ जो कोस्टल एरिया है उनको बाद में एक्सप्लोर करूँगा, जैसे पुरी हो गया आपका, या भुवनेश्वर शहर जो हो गया उसको भी मैं लौटने के बाद ही देखूँगा। सबसे पहले ट्राइबल बेल्ट में ही जाऊँगा। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैवल पे मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं और उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, बाइक ट्रिप्स भी होते हैं, एडवेंचरस जर्नीज़ भी होती हैं और देश दुनिया की तमाम यात्राएं भी होती हैं। बाकी मैं आप लोगों को आज एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये डाल्टनगंज से रांची का जो हाईवे है, तो इस पर ट्रैफिक का हाल कितना ख़तरनाक है, मतलब गाड़ियाँ कितने रफ़ तरीके से चलती हैं, कार वाले बस वाले कितना गंदा चलाते हैं, ये भी मैं आज के एपिसोड में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से रांची है करीब, कहाँ तो साहब, तीखे मोड़, सड़क खराब और गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक रूल से मतलब नहीं। तो स्वागत है आपका वन ऑफ द डेडलीस्ट हाईवे इन इंडिया। ये देखिए क्या मस्त खूबसूरत जगह है, वाओ। क्या हो गया भाई, ओ भाई साहब, शिट मैन। और देखिए, मैंने इसके जस्ट 2 या 3 मिनट पहले रिकॉर्ड किया था कि सड़कें खराब, तीखे तीखे मोड़ और लोगों को ट्रैफिक का सेंस नहीं। और मैंने कहा था कि वेलकम टू वन ऑफ द डेडलीस्ट हाईवे इन इंडिया, और मुझे नहीं पता था कि ये देखने को मिलेगा मुझे। आपने देखा क्या हुआ, एक बारात की गाड़ी थी स्कॉर्पियो और एक छोटी गाड़ी थी शायद ऑल्टो, दोनों में भयंकर टक्कर हुई है और एक आदमी स्पॉट डेथ हो गया। और जज की गाड़ी है, देखिए
ये देखिए, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैंने आपको ये सड़क दिखाई, इस सड़क पे क्या क्या हो रहा था, तो ऐसी सड़कें तमाम जगहों पे होती हैं। और रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप लोग गाड़ी लेके निकलें, कार लेके निकलें, बाइक लेके निकलें, जो भी आप अपना वाहन लेके निकलें, तो प्लीज़ गाड़ी सावधानी से चलाएँ और ज़्यादा रफ़ ना चलाएँ, क्योंकि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ आपकी नहीं है, कई लोगों से जुड़ी होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब आप सड़क पे गाड़ी लेके आते हैं, तो आप जब रैश ड्राइविंग करते हैं, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डालते, कई लोगों की जान आप जोखिम में डालते हैं। जब आप रैश ड्राइविंग करते हैं, तो आपको पता नहीं कि आगे पीछे आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, बाइक वाले चल रहे हैं, तो उनका उनको कितना इरिटेशन होता है आपके बिहेवियर से। आप इस तरह से जिग जैग करके गाड़ियां चलाते हैं, तो प्लीज़ इसको ना करें, लेन ड्राइविंग को फॉलो करें। तो यही मैसेज है आपसे कि प्लीज़ जब भी सड़क पे निकलें, सावधानी से चलाएं, सावधानी से रहें, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। तो चलते हैं फिर। खाने वाने का है कुछ भैया? खाना वाना है कुछ है? इसमें तो यहाँ से जमशेदपुर 100 किलोमीटर और यहाँ से क्योंझर की दूरी है 229 किलोमीटर, मतलब कि 230 किलोमीटर और जाना है मुझे। 5 घंटा 20 मिनट रहेगा, 5 घंटा 12:20, मतलब कि खाते वाते 1 बज जाएगा और 6 से 6:30 के बीच। और ये है वो ढाबा जहाँ अभी मैंने खाना खाया। आप देखिए कितना छोटा सा लग रहा है बाहर से, और लग रहा है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ का खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। मैंने रोटी और चिकन ऑर्डर किया था, और चिकन इतना बढ़िया कि मैं क्या बताऊँ। ये है, इस तरफ को आप जाएँगे तो रांची, इस तरफ को जमशेदपुर, मुझे इस तरफ को जाना है, और इधर से मैं जाऊंगा चाईबासा, उसके बाद ओडिशा में इंटर करूंगा मैं जयंतगढ़, और उसके बाद फिर अपना क्योंझर। तो चला जाए। और ये जो पूरा जंगल देख रहे हैं ना, ये जो पूरा रास्ता है, ये बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर है। मतलब एलिफेंट कॉरिडोर कहने का मतलब ये होता है कि हाथियों का इलाका है, और यहाँ से हाथी आते जाते हैं, सड़कों पे भी चले आते हैं। तो ये बेसिकली जमशेदपुर से 20-25-30 किलोमीटर पहले ही एक रास्ता कट जाता है चाईबासा की तरफ, तो इसको चांडिल एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। तो इस रास्ते में जब भी आप आएंगे ना, तो आपको हर जगह लिखा हुआ दिखेगा कि अगर हाथी रास्ते में आते हैं या दिखते हैं, तो आप उनको पहले रास्ता दें, अगर वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.